खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए सच दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ सलोनी। भारतीय मजदूर संघ राजस्थान प्रदेश की ओर से सरकार की मजदूर में कर्मचारी विरोधी नीतियों को लेकर शहीद स्मारक से सिविल लाइन फाटक पर रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। बास की इस रैली को संघ के अखिल भारतीय महामंत्री विनय कुमार सिन्हा एवं क्षेत्रीय संगठन मंत्री राज बिहारी शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली शहीद स्मारक से रवाना होकर CPMG कार्यालय चुमू हाउस सर्किल भाजपा कार्यालय होते हुए सिविलियन फाटक पर विशाल सभा के रूप में परिवर्तित हो गए। सभा को संघ के अखिल भारतीय महामंत्री विनय कुमार सिन्हा, अखिल भारतीय वित्त सचिव SK राठौर, क्षेत्रीय संगठन मंत्री राज बिहारी शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र डाबी, प्रदेश महामंत्री हरिमोहन शर्मा, रैली संयोजक दीनानाथ रुतला सहित प्रमुख पदाधिकारियों ने संबोधित किया। भारतीय मजदूर संघ के इस विशाल मजदूर आक्रोश रैली में प्रदेश भर के करीब 25,000 से ज्यादा मजदूर शामिल हुए। इस रैली में भारतीय मजदूर संघ के असंगठित क्षेत्र सहित ठेला ईंट भट्टा के मजदूर, दिहाड़ी मजदूर, फल व सब्जी लगाने वाले मजदूर सहित आंगनवाड़ी व NRHM सहित सभी स्क्रीन की बहनें भी शामिल थी। नई जवानी भगवान।